हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, UPPSC मेंस 2018 का जनरल स्टडी का पेपर 1 के साथ। अब हम लोग मेंस कैसे क्रैक करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पैटर्न है, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है और कहाँ से करना है, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक से नोट्स बना सकते हैं, कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी मैं आज आपकी इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह सारे पेपर्स जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 सबकी वीडियोज मैं लेकर आऊंगी। उसके बाद हम लोग प्लानिंग के साथ एक एक पेपर का एक एक टॉपिक कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड हो, बट एक लैंग्वेज में तो आपको जरूर ही प्रोवाइड होगा, या तो हिंदी हो या तो इंग्लिश, क्योंकि हमारे पास टीम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से जल्द जितनी ज़्यादा हो सकती है हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे मेंस को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि इस बार एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, पैटर्न UPSC का ही फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं GS पेपर 1 में। सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक का हमें करना है। हिंदी में भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। अब ये टॉपिक हमारा हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है, पूरा एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना है इसमें, तो हम ये पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पर्टिकुलर जगह बताई है कि आप ये कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, भारतीय कला एक परिचय, NCERT की बुक है ये, क्लास 11th की बुक है, आप ये देख सकते हैं इसमें। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो भी मैं बुक्स बता रही हूँ वो बुक्स सारी नहीं पढ़नी है, जो आपके टॉपिक है मेन आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ने बैठिएगा, आप सिर्फ अपना टॉपिक कवर करिएगा और टॉपिक वाइज करना ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। एक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें पूरा ये आपका सिलेबस मिल जाए, इसलिए आपको अलग अलग जगह से कवर करने पड़ेंगी ये सब चीज़ें। सेकेंड है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1752 AD to 1947, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यू एक्सेट्रा। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्या इत्यादि। तो ये ओल्ड NCERT की जो आधुनिक भारत की बुक किताब है, ओल्ड NCERT, वो 11th क्लास की, उससे कर सकते हैं। विपिन चंद्रा भी पढ़ी जा सकती है इसके लिए, बट विपिन चंद्रा में एक थोड़ा सा है कि वो स्टोरी टाइप है और उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये आपको थोड़ा सा एज इट इज़ मिलना मुश्किल है, बिल्कुल जैसे कि एक एक व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताया गया है। ओल्ड NCERT पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक इसमें काफ़ी मदद करेगी, स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की आती है, इंग्लिश में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है, और जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो ऑलमोस्ट हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी, दोनों मीडियम में मौजूद है ये बुक्स। स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की में आपको पर्सनैलिटी के बारे में अलग से मिल जाएगा चैप्टर वाइज, तो इसलिए आप इसमें कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाएँ आप विपिन चंद्रा और ओल्ड NCERT दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ओल्ड NCERT तीनों ही एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीरियल वाइज पूरी घटनाएं दी हुई हैं, जो कि स्टोरी की तरह आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू हुई और कहाँ पे एंड हुई, क्योंकि आंसर राइटिंग मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, तो आंसर राइटिंग में जब तक आपको पता नहीं होगी चीज़ें, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टोरी भी पता होनी चाहिए ताकि उन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकें। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट्स पे चलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वेरियस स्टेजेस, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों
से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। ये भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से करें, 11th क्लास के विपिन चंद्रा और सेम, ये टॉपिक नंबर 2 और 3 दोनों आपको स्पेक्ट्रम राजीव अहिर और विपिन चंद्रा से मिल सकता है। विपिन चंद्रा आप स्टोरी की तरह फॉलो करें, इसको बस समझने के लिए जरूरत है आपको, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको पूरा मिल जाएगा। टॉपिक 4, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया टिल 1965 AD, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक। तो एक प्रधानमंत्री टीवी सीरीज आता है, वो आप लोग इसके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 1947 के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो टीवी सीरीज आप देखिए। विपिन चंद्रा की स्वतंत्रता के बाद की जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ये आप ये कर सकते हैं इसके लिए। नंबर 5, वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी इंक्लूडिंग फ्रांस रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इसी तरह विश्व इतिहास में ये जो घटनाएं दी हुई हैं ये सारी करनी है। इसके लिए न्यू वाली एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की आती है 9th और 11th क्लास की, दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इनको आप प्रेफर करिए। और एक आध राइटर की बुक्स मैं पढ़ लूंगी तब आपको बताऊंगी कि कौन सी अच्छी हो सकती है, अभी मैंने कोई भी पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी की 9th और 11th दोनों क्लास की इसके लिए बहुत ही अच्छी हैं। नाजीवाद, फासीवाद और साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब उसमें एज इट इज टॉपिक दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सब दिया हुआ है, तो आप इसमें से कर सकते हैं और इनके ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक 6, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। ये सोशियोलॉजी है एनसीईआरटी की न्यू वाली, जिसमें इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज जो बुक का नाम है, 12th क्लास की है, इसमें आपको ये मिल जाएगा। और मैं इसके लिए स्पेशल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ये बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक है। नंबर 7, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन एंड देयर रेमेडीज। तो और हिंदी में इसमें है महिलाओं एवं महिला संगठन की समाज में भूमिका, जनसंख्या एवं संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनका रक्षोपाय। ये एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हिंदी में है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, 11th क्लास की बुक है, उसमें से ये टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं। और एक और बुक है इसमें इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है, इसमें बहुत लेंदी बुक है ये, तो सारे टॉपिक्स में नहीं, जो जो आपको टॉपिक चाहिए सिर्फ वही इसमें से पढ़िए, जैसे गरीबी, जनसंख्या, ये टॉपिक्स इसमें पढ़ सकते हैं और इसके लिए आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं इंटरनेट की मदद लेकर। नेक्स्ट 8, मीनिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो 1991 में हुआ था इंडिया में, इनका अभिप्राय, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। इसके लिए आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास की 11th क्लास की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की है, न्यू एनसीईआरटी की, तो इसमें आप ये टॉपिक देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कहीं और जाने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रियलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है, इसमें से आप कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए मैं अलग से नोट्स आपको, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंटरनेट से आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और करंट अफेयर से इसमें अवेयर रहिएगा थोड़ा। आगे नंबर 10, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ये ज्योग्राफी आ गई इसके अंदर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, भारत के विशेष संदर्भ में करना है। ज्योग्राफी के लिए
मैं रिकमेंड करूंगी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप लोग अपनी ज्योग्राफी से ज्योग्राफी में समझ विकसित कीजिए। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 11th क्लास की एनसीईआरटी, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बट इसमें एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी 6 to 12 है, इसमें जो डेटा है उसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। रीसेंट जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये आपको रिसेंटली लेना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी में डेटा है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी है थोड़ी। आगे आप इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल माजिद हुसैन की है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इसको भी रेफर कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, हिमालय के चैप्टर में जो हमारा फिजिकल फीचर्स हैं, ये थोड़े से ठीक मिल जाएंगे आपको लिखने के लिए, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी माजिद हुसैन में नहीं कहूँगी, मेंस के पर्पज से। प्री के लिए बहुत अच्छी है माजिद हुसैन। नेक्स्ट, सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिलेंगे 6 to 12 में। 11th क्लास के एनसीईआरटी में मेन मिलेंगे आपको, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों सब इसमें है। और फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल की साविंद्र सिंह की है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत ही मोटी बुक है, नहीं पढ़ सकता इंसान, लेकिन आप कुछ टॉपिक जो इसमें लिखे हुए हैं वो लेके आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं साविंद्र सिंह से कॉपी करके। नेक्स्ट है 12th, भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, ओशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, तो ये भी एनसीईआरटी में ही बहुत अच्छे से मिलेगा, और माजिद हुसैन की बुक में भी ये है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक्स आपको नहीं मिलेंगी, तो आप उसमें से ही नोट्स अपने प्रिपेयर करिए। जिसने एनसीईआरटी 2 से 3 बार पढ़ ली है वो बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का पेपर लिख सकते हैं। 13 है ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विथ फोकस ऑन इंडिया, मानव प्रयास विश्व की शरणार्थी समस्याएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और जो बांग्लादेश से इधर आते हैं आसाम की तरफ, इन सब के ऊपर ये है। तो ये करंट अफेयर्स का ज़्यादा टॉपिक है, वैसे इसमें मेन डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ये आप इंटरनेट से बनाइए इसके नोट्स, करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए कि क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है, और इसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत, विपिन चंद्रा से भी कर सकते हैं, जो कि 1947 के बाद जो पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो इंडिया में जो रिफ्यूजीज आए थे, और बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था तब भी रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे, तो उसके ऊपर इसमें मिल जाएगा आपको टॉपिक। नेक्स्ट 14, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स विथ रेफरेंस टू इंडिया, सीमांत और सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, तो किसकी सीमाएं किससे लगती हैं, क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर और इंटरनेट से आप ढूंढ के नोट्स बना सकते हैं। किसी भी एक बुक में पर्टिकुलर टॉपिक पूरा आपका कवर नहीं हो सकता है, इसलिए आपको अलग अलग जगह से नोट्स आपके प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पढ़ते समय नोट्स या सिनॉक्सिस जरूर बना के रखें, ताकि आपको इन टाइम में रिवाइज करने में मदद मिले, और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स अपने ज़रूर बनाइए, और जो हमसे हो सकेगा पॉसिबिलिटी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास न्यू वीडियो रोज़ नई मिलती रहे। नेक्स्ट 15, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, इट्स टाइप एंड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेजेस, तो ये करंट का टॉपिक है, आप लोगों को पता ही है जो योजनाएं चल रही हैं इस पे है ये। जनसंख्या एवं अधिवास क्या होते हैं, ये चीज़ इनकी विशेषताएं ये सब बतानी पड़ेंगी। प्रकार और प्रतिरूप नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, तो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें से आप ये कर सकते हैं। जनसंख्या, प्रकार और प्रतिरूप ये सब इसमें मिल जाएगा। स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, नगरीकरण, इनके लिए आप करंट अफेयर्स पे देखिए कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ये होते क्या हैं, और इंटरनेट से लेके आप नोट्स बनाइए अपने। 16, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल्स, माइंस एंड मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, वाइल्ड लाइफ, ये उत्तर प्रदेश का पूरा टॉपिक जो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान से संबंधित है। आप लोगों ने प्री की तैयारी के लिए कोई बुक्स तो यूपी की ली होंगी, तो उस वो बुक्स आप पढ़िए, उसमें से जो डाटा है उसको लर्न करिए, और उसको अपने शब्दों में
लिखने की कोशिश करिए कि हम आंसर राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं। बाकी वेरियस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स होती हैं जो इन यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी की मिनिस्ट्री की वेबसाइट जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूपी का जो है, इसी तरह और भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर जो नए नए योजनाएं आ रही हैं, जो योगी जी नई योजनाएं चला रहे हैं, उन सब के बारे में अपडेट रहिए। इंटरनेट से नोट्स बनाइए। तो इसके लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको बुक का नाम चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको रेफर करूंगी कि आप कौन सी बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि सबके पास बुक्स होती हैं यूपी की ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने इसमें कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बताई है। प्री के लिए सब लोग बुक्स लेते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप उसी को अच्छे से कर सकते हैं। 17 एंड लास्ट टॉपिक, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, शेम वही है आर्किटेक्चर आर्ट कल्चर फेस्टिवल, इसमें फोक डांस हेरिटेज हिस्ट्री लिटरेचर रीजनल लैंग्वेज सोशल कस्टम्स एंड टूरिज्म, इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा पूरा अच्छे से कि क्या आर्ट कल्चर है, अभी क्या चल रहा है, हिस्ट्री में क्या था, ज्योग्राफी क्या है, इसमें सब कुछ कवर है। मतलब पेपर वन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें ऑलमोस्ट इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको यूपी की स्पेशल पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और उसको आंसर के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना आप लोगों को आना चाहिए। तो इसके लिए सेम वही चीज जो आपने यूपी की बुक ली होगी कुछ जो भी उसमें से करिए, वेबसाइट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री जो यूपी से रिलेटेड है उससे करिए, और इंटरनेट से अपने नोट्स बनाइए। तो आज हमने GS1 के बारे में बात की कि क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कौन कौन से बुक से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, और हम लोग जल्द ही क्लासेस शुरू करेंगे GS1 की, और इसके साथ साथ कोशिश करूंगी कि एथिक्स की क्लास में आप लोगों की शुरू करूँ हिंदी में। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं क्लासेस जल्द से जल्द शुरू करने की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस समझा दूँ। आप लोग 2 से 3 दिन लगा के सिलेबस समझ लीजिए, पूरे सिलेबस आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए कि कहाँ से क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िएगा कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया है टू द पॉइंट वही बस पढ़िए आप, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पढ़िए और क्या क्या आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। उसके अलावा मैं और भी वीडियोस आपको लेके आऊंगी आगे की आंसर राइटिंग करते समय आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसे आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए, और मेन बॉडी उसकी कैसी होनी चाहिए आंसर राइटिंग। हिंदी के लोग जो हिंदी मीडियम में पेपर देते हैं वो लोग क्या क्या ध्यान दे सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, ताकि उन्हें इंग्लिश मीडियम के बराबर उनसे अच्छे मार्क्स मिल सके, क्योंकि लोगों का ये भ्रम होता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग अच्छी करने के लिए करंट अफेयर से अपडेट रहिए, जो डेली की करंट अफेयर्स पढ़िए, जो योजनाएं आ रही हैं उसको ध्यान में दीजिए, और जो जो मैंने यहाँ पे बताया है चीज़ें कोशिश करिए फॉलो करिए, और आप अपनी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी है, ज़रूरी नहीं है कि सब मुझसे सहमत ही होंगे। तो आप लोग के पास मुझसे अच्छी स्ट्रेटेजी हो तो आप वो फॉलो कीजिए, जिन लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मेरी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही GS2 के लिए लेकर आऊँगी, और उसके सारी बुक्स भी आपको डिस्कस करेंगे हम लोग आप लोगों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।